मैं मौजूद हूँ छतरी के साथ एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जब से लैंड हुए हैं, मेलबर्न में लैंड हुए थे, उस दिन से ये बड़ी एक कॉमन तस्वीर बन गई है। जहाँ पे भी जाओ ऑस्ट्रेलिया में, बारिश आपका इंतज़ार कर रही होती है स्वागत करने के लिए। तो एडिलेड में भी ऐसा ही हुआ है, और मेरा हवाई जहाज जब लैंड हो रहा था तो पायलट इस बात को अनाउंस कर रहे थे कि हमारा जो हेडविंड है, यानी कि सामने से जो हवा आ रही है, वो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो है हवाई जहाज जा रहा था। और मैं इंजन की आवाज़ भी सुन पा रहा था, बड़े ज़ोर से आवाज़ आ रही थी हवाई जहाज़ की, इंजन्स की। और लैंड हुए तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पानी हर तरफ जो था, ऐसा लगा स्टीमर बन गया हवाई जहाज जब रनवे पे लैंड हुआ। तो इस तरीके का मौसम है फिलहाल एडिलेड ओवल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अगले दो दिन का भी जो फोरकास्ट है, मैच के दिन में 90% रेन फोरकास्ट है यहाँ पर। तो अगर रेन फोरकास्ट रहा तो टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर हो सकती है कि छोटा मैच हो या फिर मैच रद्द ना हो जाए, ये एक डर जो है टीम इंडिया को अभी सता रहा होगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच आप जीतकर अपनी सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर सकते थे, उसके लिए फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप एडिलेड ओवल में आकर उस सेमीफाइनल की टिकट को पक्का करें बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे ये मैदान ये देखिए छतरी जो है, कह रही है कि मैं उड़ जाऊंगी यहाँ पर, इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पर हैं। और जो बात है यहाँ पर इस मैदान की अगर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस मैदान में टीम इंडिया का रहा है। और एडिलेड ओवल में जो सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड है वो टीम इंडिया का ही है, 188 बनाए थे। और विराट कोहली का भी बेहतरीन यहाँ पर रिकॉर्ड रहा, उन्होंने 90 रन बनाए थे यहाँ पर, बड़े तेज तरार 55 गेंदों में बनाए थे। तो ये मैदान टीम इंडिया को रास बहुत आता है एडिलेड ओवल। अब देखना ये होगा कि अगर बारिश ने खलल नहीं डाली तो टीम इंडिया किस अंदाज में और कितने बड़े मार्जिन से बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच को जीत कर सेमीफाइनल की टिकट पक्की करता है। अब बस प्रार्थना यही है भगवान से कि बारिश जो है मैच वाले दिन जो है थम जाए। अब देख सकते हैं बारिश हो रही है लगातार। समीप राजगुरु, एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टीवी।